थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक 19 वर्षीय छात्र के साथ जबरन कुकर्म किया गया। बताया जा रहा है कि डेटिंग एप्लीकेशन के जरिए इस छात्र ने पहले तो युवक के साथ चैटिंग की, उसके बाद उसे मिलने के बहाने बुलाया और फिर इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल नंदनवन पुलिस ने दोनों ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। स्मार्टफोन कुछ मामलों में कंप्यूटर और लैपटॉप का काम करता है। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग फोन पर कई शॉपिंग वेबसाइट्स व अन्य वेबसाइट पर विजिट करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन सब चीज़ों का फायदा साइबर क्रिमिनल खूब उठाते हैं। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ढूंढना कुछ और चाहते हैं और मिल कुछ और जाता है। दरअसल ऐसे ही एक फेक आईडी के जरिए नागपुर का एक युवक बुरी तरह से फंस गया। समलैंगिक संबंध के बारे में तो आपने सुना ही होगा। दरअसल समलैंगिक विवाह को सेम सेक्स मैरिज भी कहा जाता है। भारत में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए एक बार फिर से ये चर्चा चल पड़ी है। धारा 377 पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया है। लेकिन क्या होगा जब समलैंगिक संबंध जबरन से और जबरदस्ती के साथ किए जाए। दरअसल नंदनवन थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक 19 वर्षीय छात्र के साथ दो युवकों ने जबरन कुकर्म किया। डेटिंग एप्लीकेशन के जरिए पहले तो छात्र ने उन युवकों के साथ चैटिंग की, उसे मिलने के बहाने बुलाया और फिर दोनों युवकों ने उसके ऊपर अत्याचार किया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने दोनों ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी बहादुरा फाटा निवासी अनिल उइके बताया गया है, तो दूसरा आरोपी आवेश मिर्जा बताया गया है। बताया जाता है कि पीड़ित प्रथम वर्ष का छात्र था। उसने शौक के लिए अपने मोबाइल पर ब्लूइड गे डेटिंग एप्लीकेशन डाउनलोड की। विश्व भर में गे लोग इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल चैटिंग और डेटिंग के लिए करते हैं। पीड़ित छात्र ने भी एप्लीकेशन के जरिए कुछ लोगों के साथ चैटिंग की और इनमें ही ये दोनों आरोपी भी शामिल थे। गौरतलब रहे कि करीब 1.5 घंटे तक प्रताड़ित करने के बाद आरोपी ने छात्र को छोड़ दिया। इस घटना से पीड़ित छात्र काफी सहम गया, उसने किसी से बातचीत नहीं कही थी। आखिरकार परिजनों ने उसे विश्वास में लेकर पूछताछ की, तब उसने अपने साथ बीती घटना को सुनाई। फिलहाल पुलिस ने मेडिकल जांच के बाद दोनों ही आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट। एक गे लोग मना किया समझी लोग मनाते हैं कि एक ब्लूइड नाव एक ऐप है, क्या ऐप पर लोग चैटिंग करता एकमेक बोलता, क्या ऐप वो सदर पीड़ित मुला हेल जो आरोग्य है अनिल उइके आणि आवेश मिर्जा यांच्याशी चैटिंग झाल्यानंतर रमना मारुती परिसर भेटायला बोलवलं। सदर पीड़ित मुलगा हा ठिकाणी भेटी आला असताना इथे बोलण्यापेक्षा आपण त्याच्या बाजूला बोलून झोपात नेलं आणि दोघांनी आळीपाळीने त्याच्यासोबत अनैसिक संभोग केला।